Assalamualaikum. Today's topic is Global North, and a lot of students are interested in understanding what Global North is. And आप बहुत जगह पर पढ़ते हैं, चाहे वो editorials हों, news हों या books हों, और आप देखते हैं कि Global North and South divide के बारे में बात होती है. तो it is very crucial for students to understand the concepts. So today we will talk about that. So जब भी आप Global North के बारे में बात करते हैं, आपने याद रखना है that it is not a geographical term. It is a strictly economic term. It talks about the countries which are economically affluent, which are developed and industrialized. So वो countries हैं जिनके पास सभी तरह के resources हैं, चाहे वो education हो, technology हो, ये resources में monopolize भी करते हैं, and they are all powerful in those resources. अभी इसको ऐसे समझा जा सकता है कि Global North talks about the socio-economic and political division of earth. So there are countries which are countries which are core countries, जिनको developed countries भी कहा जाता है. इनके लिए different terminologies throughout the history use हुई हैं जिन पर हम बात करते हैं. So if you think of these countries, तो आपके दिमाग में जो नाम आएंगे सबसे पहले, तो obviously you would think of the UK, the US, इसमें European countries हैं, Canada, Japan, Australia. So इसमें बहुत तरह के countries हैं, not just in the northern part of the world, but also a handful of countries जो कि southern part से belong करते हैं, जैसे कि Australia and New Zealand. So characteristics क्या हैं इन countries की, यानी when you think of these countries, developed countries, they tend to be definitely wealthier. They are more economically, इनका sustenance बेहतर है, इनका democracy stable होता है, यहाँ पर education और technology में advancements ज़्यादा हैं. They are less unequal, and जैसे हमने कहा, they are more democratic because they have educated masses. So जहाँ पर educated masses होंगे, obviously उधर democracy prevail करने के chances ज़्यादा होंगे, because they are empowered people. They know about their rights and duties. So they are, we've said कि politically stable countries हैं, और इनके पास resources भी abundance में हैं. Now ये concept कैसे start हुआ, हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव ले लेते हैं कि दुनिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डिवाइड करने का आइडिया कहाँ से आया. सो वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर ये आइडिया स्टार्ट हुआ, और उस वक्त दुनिया को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, ईस्ट एंड वेस्ट. सो ईस्ट का मतलब था सोवियत यूनियन एंड चाइना, और वेस्ट का मतलब था यूएस एंड द एलाइज. सो अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर डिस्कशन हुआ, और इंटरनेशनल जो क्रिटिसिज्म था उसने कोर कंट्रीज़ एंड पेरिफेरी के बारे में भी बात की. यानी कोर कंट्रीज़ वो हैं जो कि डेवलप्ड हैं, ग्लोबल नॉर्थ, एंड पेरिफेरी वो कंट्रीज़ हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो डिसएडवांटेज्ड नेशंस हैं. सो फाइनली एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ऐसा हुआ कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड को ज्वाइन किया, और कुछ कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड को. अभी एक सिंपलर डेफिनेशन चाहिए थी अंडरस्टैंड करने के लिए कि दुनिया में डिवीजन किस तरह है. तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया, दैट वाज ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ, एंड इट टॉक्ड अबाउट द कंट्रीज विच आर रिच एज ग्लोबल नॉर्थ एंड द कंट्रीज विच आर पुअर एज ग्लोबल साउथ. इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल नॉर्थ टर्म है, इट वॉज यूज एज अ सिनोनिम फॉर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अभी आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि इकोनॉमिक डिवेलपमेंट क्या होता है. सो व्हेन यू थिंक ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, यू टॉक अबाउट एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, यू टॉक अबाउट कंट्रीज कि उनकी इकोनॉमीज जो हैं वो एग्रेरियन सोसाइटीज से मूव करें इंडस्ट्री की तरफ. जितना ज़्यादा कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड होता है, जितना ज़्यादा मैकेनाइज्ड होता है, या वहाँ पर एडवांसमेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजी में, तो वही कंट्रीज़ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा शो करते हैं. वहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ डेफिनेटली बेटर, दैट इंक्रीजेस. इसके अलावा वहाँ पर पॉवर्टी रिड्यूस होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लेवल्स ऑफ एजुकेशन भी बढ़ते हैं. बिकॉज देखिए, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए सिर्फ आपकी
इंटरेस्ट नहीं चाहिए, उसके लिए आपको फंड्स भी चाहिए जो कि आपके प्रायोरिटी में होने चाहिए कंट्रीज़ के लिए, पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ फंड्स फॉर एजुकेशन, तो वहाँ पर एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया जा ही नहीं सकता है। सो दैट इज़ वाई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब इकोनॉमिक डिवेलपमेंट होती है तो वहाँ पर एजुकेशन भी इंक्रीज करती है। सो मोस्ट कंट्रीज़ जो कि ग्लोबल नॉर्थ के हैं, दे आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया एंड अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ जैसे कि मैंने बताया फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया की 25% पॉपुलेशन है जो नॉर्थ में आती है, बट दे ओन 80% ऑफ द रिसोर्सेज बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। पूरी दुनिया को डोमिनेट करने के लिए वो 25% पॉपुलेशन ही काफ़ी है बिकॉज दे ओन दोज रिसोर्सेज। सो दैट इज़ वाई देर कॉल्ड द को कंट्रीज। और इस पर मुख्तलिफ तरह की थेरीज भी आई हैं जो बात करती हैं कि ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ को मिसयूज़ करता है, और बिकॉज जिस तरह से कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन का आया, आपने देखा कि पूरी दुनिया में बिजनेस ने ट्रांसग्रेस की बाउंड्रीज और ग्लोबल साउथ की लेबर मार्केट्स में ग्लोबल नॉर्थ ने एंट्री की, फिर उसमें कई चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, लेट्स से उसमें एक चैलेंज चाइल्ड लेबर का भी होता है कि बिकॉज ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो ग्लोबल साउथ है जिस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी नहीं होता है। सो डेफिनेटली ऐसे इश्यूज़ जैसे कि चाइल्ड लेबर है वहाँ पर काफ़ी प्रेवेलेंट होते हैं। सो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है वो है द एआई डिवाइड। बाय एआई आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड यू नो दैट वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी के एरा में बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज़ पूरी दुनिया को अवेलेबल हों। बट यहाँ पर भी वी सी के इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ एआई रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड जियोग्राफिकली प्राइमरली इन ग्लोबल नॉर्थ, और उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम ग्लोबल साउथ में देखते हैं बिकॉज आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स हैं, चाहे हम हेल्थ केयर पर देखें या हम बिजनेसेस पे देखें, एजुकेशन पे देखें, वहाँ पर उसके इम्पैक्ट्स क्यों के इतने प्रोफाउंड हैं, तो उसका उसको पूरी दुनिया में उसके रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, बट जैसे मैंने बताया वो ग्लोबल नॉर्थ के पास है। सो लॉट ऑफ डिबेट इज़ बीन टेकिंग प्लेस अबाउट दिस। एक फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड कंट्रीब्यूट अबाउट $15.7 trillion टू ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2030। सो नाउ वी अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वी अंडरस्टैंड कि इसका पूरी दुनिया के पास एक्सेस होना कितना ज़रूरी है। बट ये जो ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड है, इट टॉक्स अबाउट कि ये कई बार अनफेयर रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं और कुछ कंट्रीज़ के पास कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। थैंक यू वेरी मच।